रणधीर सिंह की सिग्रीवाल। और रणधीर सिंह सिग्रीवाल को तो हम जन्मे नहीं करते हैं। क्या लगता है कांग्रेस के हाथ में देश असुरक्षित है? देश गुलाम हो जाएगा कांग्रेस के हाथ में जाएगा। के चुनेगा चाहे मैं कि राहुल गांधी के? राहुल गांधी का मोदी जी काम नहीं किए हैं? कहाँ काम करते हैं, सब देखिए धीरे धीरे लकड़ी जुगाड़ करते हैं, सलाई खोते हैं, तब तो आग लगाते हैं। अभी तो 4 साल में गड्ढा गुड्ढी भरे है सरकार, अब क्या करेगा उसको आगे हम लोग देखें। नमस्कार, मैं हूं अमित यादव और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज। 2019 के चुनाव के माहौल के बारे में हम चर्चा करेंगे, यहां के जनता से बात करेंगे, यहां के व्यवसायियों से बात करेंगे, क्या मूड है जनता का, किस तरफ जा रही है जनता, किसे जिता रही है, मोदी सरकार फिर आ रही है या फिर राहुल का कब्जा होगा 2019 में केंद्र पर। आइए जानते हैं यहाँ के जनता का मूड क्या है, 2019 का मूड क्या है, आप लोग क्या करने जा रहे हैं इस बार महाराजगंज को लेकर। सब लोग स्वार्थ के पीछे, अपनी कुर्सी के पीछे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। 5 साल में विकास हुआ है महाराजगंज में? विकास तो हमें देखने में यही नजर में आ रहा है कि विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया है। आप किसे पसंद करेंगे 2019 में, मोदी को या राहुल को? हम क्या कह सकते हैं सर, अभी तो यहाँ पर हम लोगों को विकास के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, ना मोदी सरकार कर गए हैं ना कांग्रेस ने कर गए हैं। मंत्री किसको देखना चाहते हैं, मोदी को या राहुल गांधी को? ऐसे तो हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। काम हुआ है सरकार में? देखिए काम हो ना हो, पहले तो हम लोग तो सिर्फ केंद्र को लेकर चलते हैं, यहाँ के कौन विधायक है क्या है वो बात सिर्फ ये जानते हैं, मोदी का ही बोलबाला है, अब आगे क्या होगा। आप किसे चुनेंगे महाराजगंज में, सिग्रीवाल को या रणधीर? लालू यादव को मैं पार्टी हूँ, लालू यादव को चुनेंगे। लालू यादव ने विकास किया है बिहार का? बहुत सा किया है। नीतीश ने किया है कि लालू ने? लालू भी किया है, लालू ने किया है। और क्या, ये 5 वर्षों में आपको विकास दिखा है महाराज? कुछ नहीं दिखा है। प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं 2019? नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार कैसा है 2019 में, क्या प्रधानमंत्री फिर मोदी बनेंगे? चांस तो कम है यहाँ बिहार में, और स्टेट में हो सकता है कि वो बन सके, उनका मैंने ये है कि किसानों के लिए काम हुआ है कि नहीं? किसानों के लिए काम अभी तत्काल हुआ है, इसके पहले नहीं हुआ है। अभी जो विकास और जो कुछ दिया गया है, पैसा दिया गया है या उनके खाता में जो कुछ पैसा भेजा जा रहा है वो अभी भेजा जा रहा है, इसके पहले कुछ विकास का काम नहीं। 15 लाख का क्या हुआ? हाँ 15 लाख तो डूब गया उसका, डूब गया पूरा चला गया। वो झूठ मूठ का बताते हैं कि वोट लेने के लिए कि हाँ हम हर एक जनता के खाता में 15 लाख रुपया देंगे, और आज तक कहाँ मिला किसी को। राहुल गांधी से क्या उम्मीद है? हाँ राहुल गांधी हमारे अच्छे नेता हैं, हो सकता है कि वो भविष्य में हमारे लिए अच्छे करें। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है थोड़ा, रोड है, पानी है, बिजली है, इसका विकास हुआ है। आप सांसद से अपने संतुष्ट हैं, सांसद के विकास? यहाँ के सांसद से हम संतुष्ट नहीं है। राहुल गांधी भी 72,000 देने की घोषणा कर दिए हैं, आपको क्या लगता है देंगे? नहीं देंगे। कोई भी देगा तो देश का मतलब है वो गड्ढा में ही ले जाएगा, चाहे वो किसी को भी दे, हमको दे या और किसी को दे, जुमला ही समझिए। व्यवसायियों के लिए काम नहीं किया है मोदी सरकार ने? हाँ बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या किए हैं? GST टेल दिए। अच्छा। टैक्स तो दे ही रहे हैं, जो 2000 पर 3 मंथ पर दे रहे हैं वकील को, इनकम टैक्स वकील को, उसका कोई माई बाप है उससे कोई आय है, मतलब साल का 8,000। जीएसटी से ना खुश है, नोटबंदी से ना खुश है, नोटबंदी से हमको आपको क्या बेनिफिट मिला है? राहुल गांधी भी वादे कर रहे हैं कि 72,000 साल में देंगे, क्या लगता है आपको देंगे? अब वो जैसे नरेंद्र मोदी बोले थे 15 लाख देंगे पर हेड, दिए हैं? नहीं दिए। दिए हैं, जुमला है उनका, जुमला है, इनका भी जुमला हो सकता है। आपके सांसद ने कोई विकास किया है? हमारा सांसद तो आज तक हमसे मिला ही नहीं है 5 साल में। वोट दिए थे आप? हम दिए थे, हमने उनको, एक मिनट रुको यार, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हमारे दुकान पे आके बैठे, हमने उनका स्वागत किया, मगर जीतने के बाद 5 साल में एक बार हमारे पास नहीं आया। आपके सांसद कौन है? अब तो ये पता नहीं है, सांसद तो पता नहीं है। तो सांसद से कभी मिले हैं? आज या सांसद आपसे मिले हैं? ना। लोकसभा चुनाव फिर से मोदी को दिल्ली में लाएगा या फिर राहुल गांधी काबिज हो जाएंगे? मोदी जी आएंगे सर। मोदी जी आएंगे। हाँ। राहुल गांधी ने ये बड़ी घोषणा की है कि प्रत्येक व्यक्ति को 72,000 रुपये दिए जाएंगे। वाह वाह, ये चुनावी माहौल है ये सर, चुनाव का वादा है। महाराजगंज की लड़ाई में किसे देखते हैं, कौन जीत सकता है महाराजगंज?
सिग्रीवाल साहब जी। सिग्रीवाल साहब, क्या लगता है आपको महाराजगंज की जनता किसको अपना महाराजा चुनेगी? ये तो लग रहा है सिग्रीवाल साहब की, क्योंकि जनता उनको रणधीर सिंह का माहौल नहीं दिख रहा है। अभी तो उसका कोई चर्चा भी नहीं है। मोदी जी ने काम किया है, जितना पीएम हुआ है सबसे बढ़िया मोदी जी काम किया है। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, यहाँ बेरोजगारी की बात है। जो बेरोजगारी दूर करेगा उन लोगों को हम लोग चुनेंगे। राहुल मोदी जी बेरोजगारी नहीं दूर किए हैं, तो बेरोजगार और कर दिए। क्या लगता है नोटबंदी सही फैसला था मोदी जी का? गलत था। किसे सांसद के रूप में देखना चाहते हैं 2019 में महाराजगंज से, रणधीर सिंह की सिग्रीवाल? और रणधीर सिंह सिग्रीवाल को तो हम जन्मे नहीं करते हैं, किसी को नहीं जानते हैं, अपने सांसद को जानते हैं। ये बताइए, सरकारी योजना जो चल रही है सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, उसका लाभ मिल रहा है आप लोग? हाँ, मोदी जी का लाभ मिल रहा है। मिल रहा है, क्या क्या दिए हैं आपको? बहुत कुछ दिए हैं। जैसे मैं ये बिजली भाई बिजली दिए हैं और देने को वादा किए हैं किसान को। हम वो 15 लाख कहाँ गया? 15 लाख? 15 लाख नहीं मिला है। नहीं मिला? ना, नहीं, जुमला था। हाँ, जुमला था। अच्छा, ना ये राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 72,000 देंगे। उनका तो फोटो इधर नहीं है। फोटो नहीं है, खत्म है। विकास के साथ जाएंगे कि जाति पे जाएंगे? विकास के साथ। 2019 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, मोदी जी को या राहुल को? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं मोदी? विकास का काम नहीं किए हैं। व्यवसायियों के लिए मोदी जी कैसे रहे 5 वर्ष? व्यवसायियों के लिए, छोटा व्यापारियों के लिए बहुत घाटा चल रहा है। नोटबंदी का फैसला सही था या गलत? गलत। जीएसटी कैसा रहा? गलत रहा। क्या घाटे हुए जीएसटी के? जीएसटी के बहुत घाटा हुआ, छोटा व्यापारी तबाह हो गए। महाराजगंज से आप आते हैं, महाराजगंज के सांसद सिग्रीवाल जी हैं, क्या सिग्रीवाल जी ने 5 वर्षों में काम किया है जो करना चाहिए? इधर तो इधर आए ही नहीं आए हैं। नहीं आए हैं? नहीं आए, एक बार भी नहीं दिखे हैं इधर। किसे आप किसे चुनेंगे 2019 में लोकसभा में? रणधीर सिंह को। रणधीर सिंह को, मतलब क्या लग रहा है कि रणधीर सिंह जीत रहे हैं इस बार? ना, जीतने वाले तो हैं, बाकी दोनों में लड़ाई बहुत ज्यादा है। 2019 में आप मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या राहुल गांधी को? देश को बचाना है तो मोदी जी को। देश को बचाना है और बेरोजगारी लाना है तो किसको? बेरोजगारी भी सॉल्व करेंगे मोदी जी। तो ये तो कह रहा है लोग कि सारे युवा बेरोजगार हो गए हैं। हाँ, बेरोजगार हो गए हैं, ऐसा तो आरोप लग रहा है मोदी जी पे। मोदी जी तो विपक्षी है, कुछ भी कहेंगे। ये बताइए कि 2019 में महाराजगंज का महाराजा कौन होगा, सिग्रीवाल या रणधीर? सिग्रीवाल। लोग आरोप लगा रहे हैं कि सिग्रीवाल जी गायब रहते हैं। कौन सांसद आता है क्षेत्र में 5 साल में, सिग्रीवाल गायब रहते हैं, आता कौन है? देश के हाथ में सुरक्षा है और देश सिर्फ मोदी के अलावा और कोई पार्टी नहीं बना सकती है। क्या लगता है कांग्रेस के हाथ में देश असुरक्षित है? देश गुलाम हो जाएगा, कांग्रेस के हाथ में जाएगा। आज का घोषणा पत्र में लिखा है कि सेना को कश्मीर से कम कर देना चाहिए, CRP को कम कर देना चाहिए, तो गुलाम नहीं होगा? अरे 72,000 भी तो दे रहे हैं राहुल गांधी। 72,000 तो दे से क्या होगा? 72 लाख भी देंगे तो कोई रोजगार दिया है उन्होंने आज तक? मोदी जी ने रोजगार दिया है, आरोप लग रहा है कि सारा रोजगार छीन लिए हैं। क्यों नहीं, मोदी जी का पूरा उजाला है, ये है वो है रोजगार। बताइए कि 2019 में कौन काबिज होगा महाराजगंज पर, रणधीर सिंह या सिग्रीवाल? सिग्रीवाल साहब, कमल का फूल खिलेगा महाराजगंज में। मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी को? देखिए, जो ही योग होगा हनो वो होगा, जो अब आप सामने आएगा। इनको मोदी जी को देख लिया गया जी, नोटबंदी सबसे दिक्कत हुआ। नोटबंदी में जो कालाबाजारी का धन हुआ जो वापस आएगा वो नहीं आया। क्या हुआ नोटबंदी से, क्या फायदा हुआ? लोग तो कह रहे हैं कि देश सुरक्षित है। सुरक्षित कहाँ से, सभी लोग मर रहे हैं, सुरक्षित कहाँ है? वो कह रहे हैं, आज भी पेपर में लिखे हैं कि कांग्रेस के संग जमाने में आतंक था। आतंक तो जब BJP हुआ तब से हुआ, जब वहाँ बाबरी मस्जिद का हुआ कि हम बाबरी मस्जिद को तोड़ करके राम मंदिर। क्या उससे फायदा था? कितने लोग मरे? जनहित में हुआ, जनहित में हुआ वो। इसका फायदा BJP उठा ली है क्या? हाँ, BJP उठाया। एक ही मुद्दा है, 5 साल रहता है तो कोई मुद्दा नहीं होता है, एक मुद्दा होता है उसका। क्या
कि राम मंदिर बनेगा। हमारा नाम केशव भाटी, अपराध मठिया, जिला सिवान, बिहार। मोदी को का है 400 रुपया महीना वे देता कि नहीं दे ना। महाराजगंज में किसको देखना चाहते हैं, सिग्रीवाल जी को कि रणधीर सिंह? अभी तो दोनों जना में केहू देख के हम देखबे ना कहीं, सामने आइलो तब न देखेंगे तारा के देव कि तारा के देव। सिग्रीवाल जी जीत के गए हैं तो आपसे मिले हैं कभी? ना अभी तक ले तो ना आइले। क्षेत्र में आते हैं? नहीं आते हैं अभी तो। हम उनका देख लो ही नहीं कि जो कैसन बारे विधायक जीतल बारे से तुम पूछे वाले असन गाँव में जो तारा का घोटल बा, तारा मेरा रू के लुगा बा कि ना, तारा बेटा बेटी के कपड़ा बाल छठ पर्व के कि नहीं खे। का लग रहा है मोदी सरकार अच्छा है कि खराब है? हमरा तो वह ठीक लगत है। ठीक लगता है। कपड़ा का व्यवसाय करते हैं, 5 साल में मोदी की सरकार है, आपके जीवन में कोई सुधार दिख रहा है? कोई सुधार तो नहीं लगता है जी। बताइए कि 2019 में मोदी जी के चुने के चाहे मैं कि राहुल गांधी के? राहुल गांधी का है, मोदी जी काम नहीं किए हैं? कहाँ काम करते हैं, सब गरीब के देखिए पलानी है। पलानी है, इंदिरा आवास नहीं मिला? देख लिए है ना, है ना, बोलिए मिला है कि नहीं? इंदिरा आवास मिला है? मिला है तो कुछ बना है, कुछ बाकी है। पैसा खा गया क्या? पैसा खा गया क्या लोग अधिकारी? सब दलाल खा जाता है। अच्छा, महाराजगंज में किसको सांसद देखना चाहेंगे, सिग्रीवाल की ये रणधीर सिंह? अब जो आएगा जो पब्लिक करेगा वही कर। सांसद को देखे हैं अपना? हा? अपने सांसद को देखे हैं? अभी कहाँ देखे, ये एरिया में आते हैं? नहीं आते हैं, आता है लो, अब दिल्ली धरता है लो, झांकने नहीं आता है लो। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी को? नरेंद्र मोदी को क्यों देखना चाहते हैं? राहुल गांधी अच्छे नहीं हैं? राहुल गांधी जन को तो दांत नहीं सर। अच्छा, क्या लगता है कि 5 वर्षों में विकास किए हैं मोदी जी? कौन विकास को नहीं बताने, हमसे बताइए। आपकी चाय की दुकान है, चाय बेचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, क्या लगता है अब चाय से चौकीदार हो गए हैं, चाय वालों को छोड़ दिए हैं, क्या लगता है 5 वर्ष में विकास किए हैं कुछ? बहुत विकास हुआ है, 70 साल में जो नहीं हुआ है सो 4 साल में हुआ है। क्या लगता है कि देश सुरक्षित है? देश बहुत सुरक्षित है। सुरक्षित है? कांग्रेस की सरकार में देश असुरक्षित था? नहीं था, एकदम बेकार था। बेकार था, 70 साल हम लोग डूब करके रहे। ये बताइए सिग्रीवाल जी काम किए हैं? सिग्रीवाल जी अरे काम कम करे या बेस करे, हम लोग को केंद्र से जरूरत है। अच्छा, ऊपर देख रहे हैं? ऊपर देख रहे हैं। अच्छा, ऊपर देखते देखते तो बहुत लोग ऊपर चला गया, हमारा क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। हम लोग भी ऊपर जाएंगे, हम लोग का रहने वाले हैं तो क्षेत्र का विकास नहीं चाहिए आप लोग को? विकास चाहिए तो वो देखिए, एक बाइक को ये की जो समुद्र में आग लगा, अरे धीरे धीरे लकड़ी जुगाड़ करते हैं, सलाई खोते हैं तो आग लगाते हैं। अभी तो 4 साल में गड्ढा गुड्ढी भरे है सरकार, अब क्या करेगा उसको आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो 2019 में लगता है जो मोदी जी फिर मोदी जी की सरकार बनेगा? शराबबंदी कैसा रहा? शराबबंदी तो शराब देखिए फेल नहीं है, यहाँ पी कर कोई गाली गलौज तो नहीं करता है, मतलब पी रहा है, रंगदारी तो नहीं करता है, मतलब पी रहा है, पियो, होम डिलीवरी हो रही है ना, 1 रुपया का वो 50 रुपया देता है, उसके गांड में ताकत है देता है। केंद्र में किसको देखना चाहते हैं, मोदी जी को कि राहुल गांधी? जो सरकार है उसी को देखना चाहते हैं। क्या वजह है? बहुत सा विकास का काम किए हुए हैं, पहले तो कर्मचारियों के लिए 5 लाख से ऊपर का रेंज कर दिए, 5 लाख तक कर नहीं देना है, इस तरह से बहुत सी सुविधाएं देखने को मिल रही है। 15 लाख भी देने की घोषणा किए थे, क्या हुआ? वो 15 लाख तो 5 लाख दिए हुए हैं, सब स्मार्ट कार्ड दिए हुए हैं, सब लोग स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, लोग जिनका 5 लाख का खर्च होता है सरकारी या गैर सरकारी उसमें वो खर्च दे रहे हैं, सरकार दे रही है। क्या बताएंगे, विकास किए हैं? बहुत कुछ विकास का काम किए हुए किए हुए हैं कि प्रधानमंत्री फिर मोदी ही बनेंगे या राहुल गांधी? मोदी बनेंगे। मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है या कांग्रेस के हाथ? सुरक्षित है, कांग्रेस में असुरक्षित है जी। बाजी मार लेंगे, सिग्रीवाल जीतेंगे। मोदी बनेंगे या राहुल गांधी, कौन का भी जो? मोदी जी। राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल जी में अभी बचपना बहुत ज्यादा है, बचपना है, देश के खिलाफ हमेशा बात बोलते हैं, पुलवामा हमला होता है तो बोलते हैं कि इसके लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो कहते हैं हमको सर्टिफिकेट दो। उनकी राजनीति अभी बचकना से भरा हुआ है। अभी क्या लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर बीजेपी जीत जाएगी? निश्चित रूप से, देश का स्वाभिमान बढ़ाए हैं, मान सम्मान बढ़ाए हैं। विकास कहाँ गया? विकास से पहले जरूरी है मान सम्मान, अगर मान सम्मान है तो विकास भी होगा। विकास भी होगा निश्चित रूप से, आपको यकीन है कि? बिल्कुल बिल्कुल, स्वच्छता अभियान में पूरे लोगों को शौचालय का रुपया मिला है, यह आपका प्रधानमंत्री सम्मान योजना में सभी किसानों को लाभ मिला है,
जी। और बहुत से महाराजगंज का महाराजा कौन होगा? महाराजगंज का महाराजा तो मोदी के नाम पर वोट गिरेगा। हम लोग सिग्रीवाल भले ही विकास नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो, मोदी स्वाभिमान का विकास हुआ है। सिग्रीवाल जी विकास किए हैं? किए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी। मोदी को क्यों नहीं? मोदी झूठे केवल वादे करते हैं, कुछ करते नहीं है। एयर स्ट्राइक किए हैं, उसमें कितना क्या आतंकवादी को मारे हैं, कोई सबूत है या नहीं? मतलब है, सबूत चाहिए आप लोग? सबूत चाहिए, जरूर है। बेरोजगारी का क्या स्तर है? बेरोजगारी के नाम पर तो मैंने रोजगार देने का बात की है, लेकिन कोई दिए नहीं। महाराजगंज का विकास कैसे देखते हैं आप? हुआ है विकास? महाराजगंज में तो कोई विकास नहीं है, सिग्रीवाल जी तो आते ही नहीं है क्षेत्र में। कौन महाराजा होगा इस बार महाराजगंज का? महागठबंधन रणधीर सिंह। रणधीर सिंह जी, तो ये बताइए महागठबंधन जीत रही है बिहार में? एकदम बिहार में भी जीत रही है और महाराजगंज से भी जीत रही है। सांसद को देखे आपने? नहीं देखे हैं। सिग्रीवाल जी को पहचानते हैं? काम किए हैं? नहीं नहीं किए हैं। नहीं किए हैं ना। तो फिर कैसे मोदी जी हो जाएंगे? 19 में महाराजा कौन होगा महाराजगंज का? सिग्रीवाल के रणधीर सिंह? सिग्रीवाल। किस जनता किसके तरफ है? अभी तो भाजपा ही है। भाजपा ही है। तो देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी काम किए हैं, विकास के काम किए हैं। आज तो 72,000 घोषणा किए हैं देने के लिए राहुल गांधी। अरे किए हैं तो क्या करना है, विकास हो जाए हमको। विकास हो रहा है? हाँ, विकास हो रहा है। महाराजगंज का विकास हुआ? हाँ, हुआ है। सिग्रीवाल जी पे तो आरोप लगता है, गाय पे रहते हैं। अरे विकास हुआ है? हुआ है, विकास हुआ है। मोदी जी को कि राहुल गांधी? मोदी जी को। सांसद को जानते हैं अपने? सांसद को जानते हैं? कौन है पहले? अभी कौन है? अभी का नहीं, हमें इतना नहीं मालूम। नहीं मालूम है। पिछले 5 साल में सिग्रीवाल जी सांसद हैं महाराजगंज के। विकास दिखता है? हम तो विकास नहीं देखते हैं। विकास नहीं दिखता है ना? कुछ काम हुआ है? हम तो नहीं देखते हैं। मोदी जी अच्छे हैं कि राहुल गांधी? हम तो मोदी जी को अच्छा कहते हैं। राहुल गांधी को जानते हैं? सुनते हैं, देखे तो नहीं है।